नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। हमारे सभी दर्शकों को और पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से राजधानी में लोगों ने आजादी के जश्न की शुभकामनाएं दी और बताया कि इस देश के महापर्व को भाईचारा सौहार्द के साथ मनाया जाए। नमस्कार, मैं गंगाराम अम्बेडकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष मिशन सुरक्षा परिषद, पूर्व ओएसडी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। जैसा कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली, आज़ादी के इस सफ़र में करीब 75 वसंत हम लोगों ने पूरे किए हैं। देश ने कितनी उन्नति की है, देश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के मुताबिक एक दिन ठीक पहले 75वें इस अमृत महोत्सव के ठीक पहले जमीन के आखिरी पंक्ति पर खड़े देश के सबसे निचले समाज आदिवासी समाज से बहन द्रौपदी मुर्मू जी को देश की सर्वोच्च कुर्सी राष्ट्रपति पद पर जाने का अवसर मिला। आज परम पूज्य भारत रत्न मिसाइल मैन एपीजे कलाम साहब का जो आज पुण्य तिथि है, आज मैं संपूर्ण देशवासियों की तरफ से उनको बहुत बहुत नमन करता हूँ, श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। तथा इन 75 वर्षों के अंदर देश ने अभूतपूर्व तरक्की की है, संपूर्ण समाज के अंदर एक नई चेतना का संचार हुआ है, भारत आर्थिक रूप से सबल सक्षम मजबूत हुआ है और भारत में जो लोकतंत्र है काफी मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। जैसा कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि भारत एक सशक्त राष्ट्र बने, जमीन के आखिरी व्यक्ति को भी उन्नति के शिखर पर चलने का मौका मिले, तो उन्होंने बहन द्रौपदी मुर्मू जैसी शख्सियत को देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर पहुंचाकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपने को साकार करने की कोशिश की है। हमारे जिन अमर शहीदों ने देश की आज़ादी के लिए अपने जीवन को निछावर करने का काम किया है, ऐसे तमाम अमर शहीदों की उस कुर्बानी के कारण हम लोग आज़ाद भारत पर आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं संपूर्ण देशवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि देश में समता, समानता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित एक जात विहीन समाज का निर्माण किया जाए और भारत को और मजबूती के साथ, जिस तरह एपीजे कलाम साहब का सपना था कि भारत एक सशक्त राष्ट्र बने, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सपना था कि भारत एक सशक्त राष्ट्र बने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था कि भारत अंत्योदय के उस कमजोर वर्गों को भी एक आज़ादी का एहसास हो, तो ऐसी उम्मीद के साथ देशवासियों से मैं अपील करता हूं कि आपस में भाईचारा पैदा करके, आपस में वैमनस्यता समाप्त करके, सबसे पहले हमारा राष्ट्र है, इसके बाद हमारी पार्टी है, इसके बाद हमारी जाति है, इसके आधार पर हम लोग काम करके हम देश को उन्नति के शिखर पर ले जाने का काम करें। एक बार मैं पुनः आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस पावन अवसर पर संपूर्ण देशवासियों को स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, मंगल कामनाएं प्रदान करता हूं। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।